नमस्कार दोस्तों, अपना हाथ जगन्नाथ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया जिसमें आपको सरकार से 10 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। और दोस्तों, यह बिजनेस आइडिया आप अपने घर पे भी बैठकर कर सकते हैं। एक छोटे से मकान, एक छोटे से कमरे में आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें सरकार आपको लगभग 10 लाख रुपए की मदद करेगी। तो दोस्तों, क्या है ये बिजनेस आइडिया और कैसे इन्हें शुरू करें, कहां से मदद मिलेगी, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखनी होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बाद आए घंटे के निशान पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों, चलिए जाने ऐसे इन बिजनेस आइडिया को जिन्हें हम एक छोटे से कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं और जिसमें हमें सरकार से 10 लाख रुपए की मदद मिलती है। दोस्तों, आमतौर पर ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि वह अपना कारोबार करें, चाहे वह काम छोटा ही क्यों ना हो। अपना काम करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और का काम करने में बिल्कुल नहीं मिलती। इन्हीं वजह से युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार भी मदद कर रही है। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम से 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिससे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे आपको हर माह 30,000 रुपये और सालाना 4 लाख रुपए तक की इनकम होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन आपके बिजनेस के लिए मिल जाता है। इस लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम, जो कि 1% हर महीना देना होता है। यह लोन 5 साल तक आपको मिल सकता है। दोस्तों, इस स्कीम के लिए देश में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक और 17 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 27 रीजनल रूरल बैंक और 25 माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूट को चैनलाइज किया गया है। तो दोस्तों, चलिए पहला बिजनेस आइडिया जिसमें आपको इस स्कीम के तहत लोन मिल सकता है। दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया है ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, इस बिजनेस को कोई महिला शुरू कर सकती है। अगर आपके पास 60,000 रुपए हैं तो इस बिजनेस के लिए मुद्रा स्कीम से 1,85,000 रुपए का टर्म लोन और 54,000 रुपए वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाएगा। इस तरह आप 3 लाख रुपए में अपना पार्लर शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से आपको हर महीने 30,000 रुपए तक की इनकम होगी। दोस्तों, दूसरा बिजनेस आइडिया है बेकरी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 85,000 रुपए होना चाहिए, बाकी रकम आपको मुद्रा स्कीम से मिल जाएगी। मुद्रा स्कीम से करीब 2,95,000 रुपए का टर्म लोन और 1,50,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन आपको मिल जाएगा, जिससे आप किसी शहर में बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप सारा खर्च निकाल कर करीब 4 लाख रुपए सालाना बचा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा बिजनेस आइडिया है रेडीमेड गारमेंट का। रेडीमेड गारमेंट बिजनेस का स्कोप और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इस बिजनेस के लिए आपके पास यदि 80,000 रुपए हैं तो बाकी पैसा आप मुद्रा स्कीम से लोन लेकर शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आप मुद्रा स्कीम से 1,10,000 रुपए का टर्म लोन और 2,25,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए आप 6 महीने, 6 मोटर और एक ओवरलॉक मशीन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपका वर्किंग टेबल, कटिंग टेबल, फाइबर स्टूल, स्टील अलमारी, स्टील रेक, आयरन बॉक्स पर तकरीबन 50,000 रुपये खर्च होंगे। बिजनेस सेट होने के बाद आपको हर महीने 40,000 रुपये और सालाना लगभग 5 लाख रुपये तक इनकम होगी। दोस्तों, चौथा बिजनेस आइडिया है वेल्डिंग का। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 25,000 रुपये होना बहुत ही सही जरूरी है, जिससे आप जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप के साथ ही वेल्डिंग, मेटल वर्क का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
मुद्रा स्कीम के तहत आपको टर्म लोन के तौर पर 62,000 रुपये और वर्किंग कैपिटल लोन के तौर पर 90,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से आपको 25,000 रुपये मार्जिन मनी ग्रांट के तौर पर मिल जाएगा। इस तरह आपके पास वर्किंग कैपिटल के तौर पर करीब 2,00,000 रुपये होगा। इससे हर साल आपको करीब 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। दोस्तों चलिए अब जानें कि आपको इन सभी बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन कहां से मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको हेल्प लाइन सेंटर का नंबर दे देते हैं और यह सारी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है, आप वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 1800-1806-7-63, इंग्लिश में इसे जान लें 1800-1806-7-63। आप यहां पर कॉल कर सरकारों द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करने में वैसे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य सरकारें कई स्कीमों के तहत छूट और लोन देती है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम भी शामिल है। वही बिजनेस ऐसे हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, ऐसे में आप निःशुल्क सरकारी हेल्पलाइन पर कॉल करके जानकारी जुटा सकते हैं। दोस्तों यह नंबर हमने आपको बता दिया है और आप डिस्क्रिप्शन पर भी जाकर इस नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि MSME सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम के वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जहां पर कि आपको लेटेस्ट यानी कि अपडेटेड जो भी स्कीम है उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। एक छोटा सा ऐड आएगा, उसको स्किप करने के बाद आप इस साइट पर चले जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी आई होगी। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जिनके यह वीडियो काम आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।